सांसद सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा जी, मैं इनसे जानूंगा कि आखिर क्या है, क्या कांग्रेस बैकफुट पे है कि कांग्रेस सकते में है मोदी जी के रायबरेली आगमन से। शर्मा साहब नमस्कार और ईटीवी में आपका स्वागत है। जरा मेरा पहला प्रश्न सीधा सा ये है कि क्या कांग्रेस मोदी जी के रायबरेली आगमन से बैकफुट में है? कांग्रेस ना बैकफुट पे है ना कभी रहेगी। अभी बैकफुट पे तो बीजेपी वाले हैं क्योंकि तीन स्टेट में अभी ताजा ताजा ये हार के आए हैं, तो हम लोग कभी बैकफुट पे रायबरेली में तो ना बैकफुट पे कभी रहे हैं ना रहेंगे। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए कि 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, सोनिया जी रही, लेकिन एक बार भी मनमोहन सिंह जी नहीं आए रायबरेली, क्या कारण रहा इस पे, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मनमोहन सिंह जी का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हमारे जितने भी सोनिया जी ने प्रोजेक्ट दिए सारी उस समय यूपीए की गवर्नमेंट ने हमारे किए, तो इसलिए कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, सोनिया जी तो आती रही। वो कहता एक चीज मुझे ये बताइए कि वो आ रहे हैं विकास की परियोजनाओं में वो कर रहे हैं, तो आखिर ऐतराज क्या है कांग्रेस को? कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए उसका जिला है, उसके जिले में पीएम आ रहे हैं। पीएम आए उसकी कोई हमको कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सोनिया जी के टाइम पे उन्होंने 10 साल यूपीए की सरकार रही, जो योजनाएं उन्होंने रायबरेली के लाई थी वो इन 4.5 साल में उनके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। हमारा सिर्फ उनसे प्रश्न यही है पीएम साहब से कि भैया उन योजनाओं में, ये तो रायबरेली की जनता के लाभ की बात थी, क्योंकि सोनिया जी की व्यक्तिगत जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं कि सोनिया जी को व्यक्तिगत तो किसी से लाभ नहीं है, लेकिन ये था कि उन्होंने रायबरेली के जो परियोजनाएं चल रही थी हमारी उनको रोकने का काम किया। 4.5 साल में उनके ऊपर कोई भी उन्होंने फंड नहीं रिलीज किया, इवन के हमारे एम्स जो हमारा 900 बेड का बनना था उसको 600 बेड का कर दिया, ठीक है, रिंग रोड वैसी की वैसी पड़ी हुई है, तो रेल कोच फैक्ट्री जो सोनिया जी की शुरुआत की हुई है, अगर इसके भी अंदर देखें जिसके अंदर पीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी आप देखिए कि जो वहां की यूनियंस की डिमांड है कि वहां पे उन्होंने इम्प्लॉयमेंट तो करी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना है नहीं, लेकिन अफसरों के ऊपर दबाव है कि आप इतने कोच बनाइए, तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ समझौता भी हो रहा है जी, तो इसलिए हम लोग यही कहेंगे। नहीं नहीं, बड़ा आरोप आपने लगाया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी से भी समझौता करेंगे, तो लेकिन इसको आप कैसे रोक पाएंगे? मतलब आगामी चुनावों में 2019 है, वो मान के चल रहे हैं कि सोनिया जी के खिलाफ कोई एक बड़ा कैंडिडेट वो वॉकओवर नहीं देने जा रहे हैं, आप कैसे लेते हैं अगले चुनाव के बारे में क्या? नहीं, हम वॉकओवर तो उन्होंने कभी भी नहीं दिया हम लोगों को, ठीक है, ये लड़ लें, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां की जनता सोनिया जी के लिए लड़ती है, तो ये सोनिया जी का जो वहां का जनता के दिल में सोनिया जी के प्रति प्यार है और सोनिया जी के 10 साल के कामों को वहां के लोग जानते हैं और वहां के लोग ये भी जानते हैं कि ये एनडीए की गवर्नमेंट जब से आई है 2014 से तब से रायबरेली की विकास की गति रुक गई है। तो आप गांव के अंदर चले जाइए, पूछ लीजिए, आदमी एक ही बताएगा कि जो किया यहां सोनिया जी ने किया है, तो ये सारी चीजें हैं उसमें, मतलब कोई हमको कोई दिक्कत नहीं जैसा भी हो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किशोरीलाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि रायबरेली से चुनाव सोनिया जी नहीं लड़ती, रायबरेली की जनता सोनिया जी के लिए चुनाव लड़ती है। टीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।